जय श्री राम। राम और सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। Afforestation and deforestation. Afforestation is the planting of trees in an area where there was no trees covered previously. It has a beneficial effect. खेत बावगा। खेत बावगा तो फिर यू किसान है इसमें बोवगा ऐसे के बहुत बढ़िया जी, बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है। आप सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे ये हमारा घर है, ये लेजर लाइट पूरे घर के चारों तरफ है, कोई चोर अंदर आने लग गया ये। नाम आपका? मेरा नाम तमन्ना है, मैं प्लस वन क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नेहा है और मैं इलेवेंथ क्लास में ही पढ़ती हूँ। तो आपके मॉडल के बारे में बताइए। तो हमारा मॉडल है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब हम व्हीकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लांट्स को काट देते हैं और इंडस्ट्री ज़्यादा लगाते हैं, फैक्ट्री ज़्यादा लगाते हैं, तो क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है, मिथेन का लेवल बढ़ जाता है और CFC का लेवल बढ़ जाता है। तो इससे सर क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज कम हो जाती है, प्लांट्स भी खत्म होने लग जाते हैं और जो ये ग्लेशियर है ये भी मेल्ट हो जाते हैं। और जैसे ये नेचुरल डिजास्टर मतलब सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जैसे हमने दिखा रखा इस मॉडल में ये हो जाता है। और ये जो क्या है मतलब हमारा वोल्केनो है, इसमें से लार्वा निकलता है, ये मतलब अच्छा नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ जाता है इससे। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, लगाने चाहिए और व्हीकल्स का यूज़ कम करना चाहिए। तो हमारा ये मोटिव था। थैंक यू। बिल्कुल, इन्होंने प्लांट्स के बेनिफिट बताए कि प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये हमारी अर्थ प्रोटेक्ट करवा रखी है। आपने खुद बनाया है ये पूरा मॉडल? यस सर, हमने खुद बनाया है। टीचर ने क्या कुछ आपको सहयोग दिया? गाइडलाइन दी है सर, हमने सर टीचर ने हमें बस। यस सर। चलो, आपकी रुचि है इस लाइन में जाना? यस सर। फ्रेंड्स आप बताइए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है किडनी का। जो किडनी होती है ना, वो हमारी मेन ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। तो किडनी हम मेन ऑर्गन तो कहते हैं, बट वो काम कैसे करता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी दो किडनी है, यहाँ पे ना हम पानी पीते हैं ना जैसे, तो यहाँ पे ब्लड जो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, उसके बाद जो किडनी है ना इस ब्लड को फिल्टर कर देती है। और फिल्टर करने के बाद जो ये दो ट्यूब नैरो ट्यूब होते हैं ना, इनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, यहाँ से जाके ये ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। कुछ टाइम के लिए तो ये इसमें स्टोर रहता है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो ये यूरेथ्रा होता है ना, इसके थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में। तो ये था सर आज का हमारा टॉपिक और ये वर्किंग मॉडल है, हम इसको एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। देखिए एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं, स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से बताया और देखिए एक्सप्लेन साथ साथ दिखाना रही है कैमरामैन। नो सर, इसमें कलर डाल दिया कुछ भी, तो ये दिख रहा है ये हमारा वर्किंग मॉडल है। तो यहाँ से ये आता है फिल्टर होकर और ये सीधा यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। बिल्कुल एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। आपको इनका मॉडल कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए दर्शकों, गर्मी भी आने वाली है और बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया है, एसी बना दी बिल्कुल। कैसे आया माइंड में? क्या नाम पहले दो नाम पूछेंगे? हार्दिक। चल हार्दिक। अलेवा। हार्दिक पांडा। चल हार्दिक। चल अलेवा। चल अलेवा से। अच्छा, क्लास 7th? 7th। नवीन अलेवा से। क्लास 7th? दीपांशु दालमवाला से। दालमवाला। क्लास 7th? 7th। आपने एसी बना रही है किस मकसद से, कैसे सोच में आया, कैसे माइंड में आया? कि अब जैसे गर्मी अभी आ रही है और जैसे अब तो सर्दियाँ तो चली गई, अब जैसे गर्मी आ रही है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदे मिलेंगे हमें इससे, जैसे गर्मी से छुटकारा मिलेगा और बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, जैसे रूम को अपने को ठंडा भी कर देगा ऐसे। अच्छा, अगर बजट ना हो, पैसे ना हो, फिर ये हमने तैयार कर रखा है, ये ले जाएंगे? ले जाना। देखियो दर्शकों, अगर आपका बजट नहीं है तो ये सस्ता बिल्कुल है। कितने में दे दोगे इसको? 100-200 में। आपका क्या कुछ इसमें, किस टाइप से बना रही है? गत्ते से बना रही है? कैसे बना रही है? ये कार्डबोर्ड बोर्ड से बना रखा है। अच्छा, कार्डबोर्ड, बैटरी, स्विच, मोटर। तो हमारे दर्शक कोई खरीदना चाहे तो कॉन्टेक्ट कैसे करे? आपके चैनल से। हाँ। अच्छा, तो जो भी दर्शक है, मैं ये कहना चाहूँ जिसको एसी चाहिए, सस्ती वाली एसी यहाँ से खरीद लीजिए आप, बिल्कुल सस्ती एसी है और 100-200 रुपये मात्र। अच्छा, स्कूल लास्ट में नाम बता दो। दीपांशु। नवीन। हार्दिक पांडे। सरदार जी। हजार। क्या नाम है? तेज। तेज कहाँ से हो? डाटर से। डाटर से। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आपका शुभ नाम? प्रीति। प्रीति। आपका मैम? कृष्णा। कृष्णा। आप कहाँ से आए हैं? गोइया से। गोइया से। तो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता जी, एक लड़का। आपको कैसा लगा एग्जीबिशन देख के? बहुत बढ़िया जी, बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है। आपको कोई सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो मोस्ट फेवरेट? मुझे भी लगा राम मंदिर। राम मंदिर बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मेरे को भी मैम, राम मंदिर अच्छा लगा। हरवीन प्रीत। क्लास प्लस वन। महक। जशन। क्लास आपकी प्लस वन ही है? मेडिकल।
अच्छा, तो आप बताइए आपके मॉडल के बारे में। मॉडल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम खाना खाएंगे तो ये माउथ से होके इसोफेगस में जाएगा, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, तो वहाँ से होते हुए ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में HCL और कुछ और एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, तो वहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी फूड की। वहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो ये फूड हमारा है जो डाइजेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट है एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा बॉडी के। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूरा ये एक्सप्लेन करके बताया है। और आप, हमें हेल्दी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए खाना, ताकि डाइजेस्ट अच्छी तरह हो जाए। यही कि हमें अच्छा अच्छा फूड खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए बस। तो क्या नाम आपका? सुमित। क्लास 8th। यशवीर, क्लास 8th। अनिरुद्ध, क्लास 8th। 8th क्लास। बताइए आपका क्या कुछ मॉडल है? ये मॉडल लेजर होम सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे ये हमारा घर है, ये लेजर लाइट पूरे घर के चारों तरफ है। कोई चोर अंदर आने लग गया, ये हमें पहले बता देगा कि ये हमारे घर पे, इससे हमारे घर में चोरी होने से बच जाएगी। मतलब अगर कोई चोरी करने आता है तो पता लग जाएगा कि ये चोरी करने आ रहा है। अच्छा, अलार्म वगैरह बजेगा? अलार्म बजेगा। अच्छा, तो क्या यही सेम है? यस। सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कौन से गांव से हो? डाठ। नाम क्या है? हरमन। हरमन, पूरा नाम यही है? हरमन विरक। हरमन विरक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये ट्रैक्टर आपका है? खुद बनाया है? हमने बनाया है। आपने बनाया है? कितने का मॉडल है ये? क्या, कितने बच्चों का मॉडल है? अकेले का। और इनका? ये बनाया हूं। ये क्या बना रखा हमने? बच्चा का। कैसे बच्चा का? सारा बच्चों का हमने ये बनाया। तो कैसे माइंड में आया कि मैं ट्रैक्टर बनाऊं? ये तिल्लियां लगा रखी है, क्या है ये? सर ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है? अच्छा, तो किस तरह का प्रोजेक्ट है? फार्मर लाइफ का। अच्छा, फार्मर की लाइफ है, किसानों की लाइफ है साथ में। तो बताइए क्या कुछ वर्क करता है ये? सर ट्रैक्टर चल रहा है तो ये खेत बावगा। खेत बावगा तो फिर यू किसान है, इसमें बोवगा है ऐसे। लग तो कुछ रही है? लानी पड़ेगा। अच्छा अच्छा, रुक जे भाई, लान दो। ये बिल्कुल ना गत्ते से बना रखा है ये? हां, जो मैं प्योर गत्ता था। अच्छा, नो बता, हमारे जो दर्शक है मैं कहेंगे ये ट्रैक्टर मैं खरीदना चाहूंगा, कितना रुपया में दोगे? फ्री में ले जाएंगे। फ्री में? जमा तेल ताल का लाइश में कौन निकलता? बिना तेल के, बिना तेल लिए चला है। दर्शकों कमेंट कर दियो जिसने भी चवा है, तो जरूर जितने भी दर्शक है जिन्हें ये ट्रैक्टर चाहिए है, कौन सा मॉडल है ये, कौन सा ला लो? आज का स्वराज। स्वराज, स्वराज ट्रैक्टर का नाम है। फ्री में? फ्री में जमा। अच्छा, यो मांगे था इससे दे दोगे? बहुत बेटर है ये। ये एक ग्लोबल वार्मिंग का बनाया बच्चों ने पीछे, बहुत जबरदस्त है, अच्छा संदेश है आगे। और इस टाइम पे जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जो बच्चों ने बनाया है, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करी है उन्होंने। स्कूली स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार और मॉडल दिखा रहे बढ़िया से बढ़िया। और दर्शकों आप लोग बिल्कुल खुश हो जाइए क्योंकि इस प्रकार मॉडल पहली बार देखे होगे आपने। क्या नाम अपना? मोहित। मोहित, क्लास? क्लास 8th। अमन, क्लास 8th। 8th क्लास के स्टूडेंट्स है। और आपकी इतनी हाइट है 8th क्लास में? ये छोटा है, ये कैसे है? सर ये तो लेट लिया था एडमिशन? नो सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। तो आपका ये मॉडल मैं देख पा रहा हूँ, किस प्रकार का मॉडल है? सर ये खोखो के ऊपर है, हमें खोखो गेम खेलते हैं जो उस पे है, जिसमें दो टीमें होती है और दोनों टीमों में 12-12 प्लेयर होते हैं और तीन प्लेयर एक्स्ट्रा के होते हैं, अगर किसी को चोट लग जाए तो वो आ जाते हैं। यस सर। और 8 बीच में गैप कितना होता है सर इसके? इसमें ये गैलरी तो होती है 35 सेंटीमीटर की, उनके बीच में 2.30 का वो गैप होता है। अच्छा अच्छा। और ये प्लेयर 8 प्लेयर बैठे होते हैं और एक प्लेयर पकड़ता होता है। अच्छा। और ये प्लेयर पीठ के बल खो दे सकता है, आगे से नहीं दे सकता वरना फाउल हो जाता है। और फिर ये 7 हो सकते हैं। यस सर। अच्छा। और ये इसको पकड़ेगा फिर ये आउट हो जाएगा, फिर इनकी टीम का एक प्लेयर आएगा फिर वो भागेगा। इसमें 7 मिनट का टाइम होता है, 7 मिनट में अगर जल्दी से जल्दी जितना पकड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखिए स्टूडेंट है जिनने खोखो नहीं देखी, खोखो ही हो है, तो इस मॉडल के द्वारा आप समझ को कि किस प्रकार खोखो खेली जावे।
खेली है कभी? खेली है। अच्छा, खुद ये खेलते हैं ये निकी, और आपका ये दिमाग में कैसे आ कि हम ये यही मनाएंगे? डीपी मैम ने बताया था। अच्छा, मैम ने बताया था, बहुत अच्छे से गाइड किया था। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट क्या नाम आपका? अक्षित। क्लास? 8th। आर्यन 8th क्लास। 8th क्लास में। आपका मॉडल के बारे में बताइए, क्या कुछ है? ये एरिया ऑफ सर्कल है। अच्छा, क्या कुछ है इसमें? मतलब ये area of circle is given by the area of circle of circle is given by the area of circle formula 2 pi r the radius of circle and its area. बिल्कुल, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से बताया है। I am Ritika Sharma from Datrat village. Datrat class? Plus 1 science. I am Anu from Aleva plus 1 class. Plus 1 class. आपका क्या कुछ मॉडल है? ये हमारा वाटर फिलिंग टैंक है। ये किस प्रकार ये वर्क करता है? वर्किंग ये इसलिए है कि जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो वाटर ऊपर चला जाएगा, और हमने इसके साथ अलार्म अटैच कर रखा है, तब पानी में की टंकी ये जो ये भर जाएगी तो ये अलार्म बजने लग जाएगा। अच्छा। ये हमारे घरों में काम करना मतलब जरूरी है ये, क्योंकि सेव वाटर होएगा इससे। वाटर को सेव करने के लिए इन्होंने मॉडल बनाया, बहुत अच्छा। स्टूडेंट जुड़ चुके, कौन सी क्लास है? 7th। ये हमारे गाँव के स्टूडेंट है, 7th क्लास है। तो आपका मॉडल ने बना रखा है आपने? कुछ बना रखा है, वहाँ पर रखा है, बना रखा है वहाँ पर। क्या नाम है? अक्षय। अक्षय। रितेश। रितेश। दीपांशु। नेम और क्लास? मुस्कान क्लास 8th। ईशिका क्लास 8th। अंजलि क्लास 8th। अच्छा, तो आपका मॉडल है, क्या मॉडल है आपके? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने टाइप के होते हैं? 8 पार्ट होते हैं स्पीच के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। एडवर्ब के बारे में बता सकते हो? एडवर्ब्स अंजलि। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स आर दिस, एडवर्ब्स आर क्वालिफाइंग वर्ड दैट ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर वर्ड, एग्जांपल सो मेनी देयर एटसेट्रा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम पूछे प्रीपोजिशन। इट इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। और एक इस लड़की से लास्ट में ये पूछ लेंगे हम, नाउन। नाउन इज नेम हुए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट जुड़ चुके, लगातार हम मॉडल दिखा रहे हैं, और बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा मॉडल है। क्या नाम है? रितेश। काम का नाम और क्लास? आई बिलोंग टू खांडा। खांडा। क्लास? 7th। देव। क्लास? क्लास 7th भी। काम? खांडा। खांडा। गुरतेज क्लास 7th, गांव डाटरत। गांव डाटरत, सरदार जी। अक्षय, गांव खांडा, क्लास 7th। अक्षय कुमार। तो क्या बनाया आपने मॉडल? ये टाइप ऑफ सेंटेंस पे। टाइप ऑफ सेंटेंस? हाँ। आते हैं सेंटेंस? आते हैं सर। क्या कुछ होते हैं सेंटेंस? सेंटेंस में चार पार्ट होते हैं सेंटेंस में। चलो चार पार्ट इनसे पूछेंगे, चार पार्ट क्या क्या होते हैं? देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट बेसिक ऑफ फंक्शन। फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट रियली इंफॉर्मेशन और आइडियाज, एग्जांपल आई लाइक क्लाइंबिंग। इंटरोगेटिव। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, एग्जांपल वेयर डू यू लिव। चलो बाकी इनसे पूछेंगे, थोड़ा सा आप बता दीजिए बाकी। कितने पार्ट के होते हैं सेंटेंस? जिंदगी में बिल्कुल सुख और चैन, बिल्कुल नाम ही बहुत ही बढ़िया नाम है, सुख और चैन। आपका मॉडल के बारे में पूछेंगे, क्या मॉडल आपका? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, तो एक्सप्लेन सर। इसका उद्देश्य है कि पूरे में ना कहीं पे गंदगी नहीं रखनी चाहिए। क्या ये सर? कचरा, डस्टबिन वगैरह है। हाँ, तो ये डस्टबिन वगैरह मतलब क्लीन करने के लिए है। हाँ, यस सर। और बताओ थोड़ा सर, ये भी बताइए आपके माइंड में कैसे आया कि ये मॉडल बनाए हम और ये इस प्रकार से हम दिखाए? सर हमने लगा किया या कैसे आपके माइंड में आया? सर टीचर ने डिसाइड किया। टीचर ने डिसाइड किया। अच्छा, मैंने लगातार फोकस। और यहाँ पर स्कूली स्टूडेंट्स है हमारे साथ, कितने स्टूडेंट्स का ये मॉडल? तीन स्टूडेंट्स का ये मॉडल है। क्या नाम है? देव। दीपांशु।
साहिल क्लास 8 क्या मॉडल आपका सर वाटर पोल्यूशन किसने दिया आपको ये डॉक्टर की दुकान से लाए थे डॉक्टर की दुकान से कुछ आपका मॉडल है ये बताइए सर वाटर पोल्यूशन है ये बिल्डिंग हो गई इसमें से गंदा पानी निकलता है तो हमारे रिवर में पानी जाता है अच्छा। और वो पानी प्रदूषित हो जाता है जिसकी वजह से हम उसका कहीं भी यूज नहीं कर सकते सर इसमें वाटर पोल्यूशन हो गया इसमें से इसमें गंदा हवा निकलता है इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है आप बताइए थोड़ा आगे इसे इसमें से गंदा धुआं निकलता है और वो इन्वायरमेंट में फैलता है और जिससे लोगों को दिक्कत होती है सांस लेने में भी दिक्कत होती है कैंसर होती है जो ये धुआं हमारे लिए बहुत हानिकारक है बस यही इतना ही था बस सिर्फ एक ही लाइन में बता दिया इतना ही था फट साहिल दीपांशु देव आदित्य कौन सी क्लास में 8th गांव पेगा पेगा गांव पेगा से आवे इतने दूर से बस जावे है और मैडम भी आवा है मैडम भी आवा है बहुत क्या नाम आपका यस यस क्लास 7th क्लास में हो आप क्या मॉडल आपका हीटर हीटर रूम हीटर रूम हीटर क्या वर्क करता है ये इंग्लिश में रूम हीटर इंग्लिश में बताओ रूम हीटर एक मशीन है जो हमें गर्म हवा देती है और एक स्टैक को गर्म बनाती है देखिए इस छोटे से लड़के ने अकेले ये मॉडल बना रखा है कितनी बड़ी बात है कौन सी सेवंथ क्लास में क्या नाम है आर्यन आर्यन नाम है अच्छा सेवंथ क्लास का स्टूडेंट है और देखिए कितना बढ़िया मॉडल बना रखा है एक बार कैमरा मैन अच्छे से फोकस करके दिखा दीजिए तो ये मॉडल के बारे में पूछेंगे क्या कुछ आपका ये मॉडल है किस वर्क का सर ये मॉडल है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए पेड़ कभी भी नहीं काटने चाहिए ये फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से एयर पोल्यूशन है इस पे पाबंदी लगानी चाहिए जो गाड़ी से धुआं निकलता है इस पे भी हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी सेहत भी बनी रह सके ये जंगल है ये लड़का हमें बता रहा है कि हमें ज्यादा सारा कूड़ा करके हमें डस्टबिन में डालना चाहिए ये विंड जब भी चलता है जब हवा आती है तो इससे एनर्जी होती है और सोलर के द्वारा एनर्जी जिसमें घर में बिजली आती है और हमें हमेशा पर्यावरण को साफ रखना चाहिए बिल्कुल ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाइए और इसे स्टूडेंट ने करके दिखाया इस मॉडल के द्वारा ये प्रेरणा दे रहा है सभी को तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनका क्या कुछ मॉडल है और किस प्रकार ये काम आता है क्या नाम आपका सर माय नेम इज मुस्कान मुस्कान क्लास यस सर प्लस वन कॉमर्स क्लास आपका मॉडल के बारे में बताइए सर ये मॉडल है इंश्योरेंस में इसमें क्या होता है मेनली 5 टाइप का इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस फर्स्ट ले क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस इसमें क्या होता है जैसे आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है उसके जैसे और कमाने वाला एक है ये नहीं होता कि वो सारा मतलब काम कर सकता है जैसे इंश्योरेंस वाले आते हैं जो आपका इंश्योरेंस करते हैं उससे क्या होता है आपकी क्रिटिकल कंडीशन में घर की ठीक रहती है उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस इसमें क्या होता है मेनली 5 या फिर 10 ईयर्स का इंश्योरेंस होता है वो कंप्लीट होने के बाद टाइम लिमिटेड होता है कंप्लीट होने के बाद आपको वो पैसे भी वापस देता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी होता है फिर आएगा फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस में क्या जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह आती हैं और वो जैसे सामान लेके आती है ये तो है नहीं कि वो सबको जैसे अब आप शॉप में रख लेंगे सेल करेंगे तो वो क्या होता है वेयर हाउस में वो रख लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए बस ये बट ये नहीं होता कि काफ़ी टाइम हो जाता है जैसे आग वगैरह लग जाए बाढ़ वगैरह जैसे ख़राब हो जाता है तो उससे फिर क्या होता है इंश्योरेंस वाला आपको क्लेम देते हैं और आपका ग्रो जो लॉस होता है वो भी हो जाता है कम्प्लीट इसमें कवर हो जाता है और आपका बिजनेस भी ग्रो करने लग जाता है इंश्योरेंस के बारे में इन्होंने पूरी डिटेल बताई है सर जैसे इंश्योरेंस के बारे में अब आप LIC वगैरह कंपनी में होते हैं इंश्योरेंस वगैरह करते हो उसका एक्सप्लेन कर रखा है ये जैसे रॉ मटेरियल उससे बना रखा है जो वेस्टेज है ना उससे बना रखा हमने जैसे यस सर तो जो आपकी रुचि भी होगी इस लाइन में आगे जाकर यस सर माय नेम इज मीनाक्षी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SCR सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्लस 1 ग्रेड कॉमर्स माय नेम इज जन्नत आई एम स्टडी इन SCR सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम प्लस 1 कॉमर्स ये आप दोनों का ही एक साथ मॉडल है यस सर चारों का आई एम स्नेहा आई एम स्टडीइंग SCR सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11th क्लास कॉमर्स माय नेम इज मुस्कान आई एम स्टडीइंग SCR स्कूल एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ प्लस 1 कॉमर्स ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं पहले हमने साइंस के स्टूडेंट्स दिखाए थे साइंस के जो जो मॉडल थे जो प्रोजेक्ट बना रखे थे अब ये कॉमर्स के हैं क्या कुछ है कॉमर्स में सबसे पहले होता है B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर ये होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है हम इसमें ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं जैसे अमेजोन से करती हैं फ्लिपकार्ट से करती हैं और ये मार्केट प्राइस से ना बहुत कम प्राइस होता है और आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है सब इसको सोचते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें और इसका सबसे पहले आइडिया दिया था माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में दिया था उसके बाद है C2C मॉडल C2C रिप्रेजेंट
सी टू सी क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, जहाँ जहाँ एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सेकंड हैंड सामान बेचता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, जैसे कि कई ऐप होती है, OLX हो गया, eBay हो गया, इन पे जैसे कि मैंने बाइक बेचनी है और आपने ख़रीदनी है, तो मैं बाइक की डिटेल्स और अपनी डिटेल्स इस ऐप पे डालूँगी और आप देख रहे हैं तो आप इनको चेक करेंगे, मेरी डिटेल्स चेक करेंगे और बाइक की डिटेल्स, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ये। हाँ, ये बस सेकंड हैंड होता है, कस्टमर टू कस्टमर के बीच होता है और ज़्यादा बोली लगाई जाती है और जिसकी ज़्यादा बोली होती है वही खरीदता है। जी बिल्कुल। टू बी, सी टू बी में क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस होता है, जो कस्टमर है ना वो बिजनेस को आइडिया वगैरह देता है जिससे वो उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो सके और उसके बदले वो कंज्यूमर है जो पैसे लेता है उससे। तो ना आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा कि कई ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे आप भी ब्लॉगर हैं, आप यहाँ पे आए हैं एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे ही फूड ब्लॉगर होते हैं जो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनकी, तो फिर उनके प्रॉफिट होता है कि आप जाइए, रिकमेंड करते हैं आप जाइए, अच्छा खाना है वगैरह वगैरह वगैरह, उनके बारे में बोलते हैं अच्छी बातें, तो वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनसे उनका प्रॉफिट होता है और उनसे वो पैसे लेते हैं। सही इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं बिल्कुल। एंड द लास्ट इज बी टू बी, बी टू बी होता है मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इसमें क्या होता है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से जैसे रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं, इससे क्या होता है उन्हें फिक्स्ड प्राइस पे मिलता है और अच्छा सामान मिलता है। कई बार ये होता है कि सामान खराब हो जाता है लेकिन हमें ट्रस्टेड कंपनी पे विश्वास करके रॉ मटेरियल लेना चाहिए, इससे क्या होता है एक तो उनके संबंध होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं और बाय चांस फ्यूचर में कभी उनको पैसे की जरूरत पड़े ना तो आपस में रिकमेंड कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी। और सर रिंकू क्लास 11th क्लास, रितिका प्लस वन क्लास। तो आप दोनों का मॉडल ये एक ही है या कितना का है? हम यस सर, हमारा ही आपका ही है। इन दोनों लड़कियों का ये मॉडल है, किस प्रकार का मॉडल है ये बताइए। सर ये योगा का मॉडल है। योगा का हमारे जीवन में कितना महत्व है? बिल्कुल, हम योगा के बारे में बताना चाहते हैं, करो योग रहो निरोग। तो आपने क्या कुछ लिख करके आई है बता सकते हैं? ये ताड़ासन, ये योग का नाम है। अच्छा, ये चक्रासन, पश्चिमोत्तासन, पद्मासन, हमें बताया गया कि भी योग करो और जीवन में अपना स्वस्थ रहो, जीवन लंबा जियो। तो मैं इस लड़की से पूछूंगा योगा के क्या कुछ बेनिफिट है, कब कब हमें करना चाहिए? सर जो ताड़ासन है वो हमारी लंबाई को बढ़ाता है, कमर दर्द को ठीक करता है, कब्ज दूर करता है, और जो चक्रासन है वो हमारे जो शरीर की तेजी फुर्ती करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पश्चिम उत्तान से पेट की सरचर भी कम करता है और जो से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। जो पश्चिम उत्तान आसन है सर, पद्मासन, पद्मासन हमारे मन को शांत रखता है सर। स्वर्णिका क्लास प्लस वन क्लास, प्लस वन क्लास है, कौन सी साइड है? आठ साइड से। आठ साइड से। अंकिता प्लस वन आर्ट्स, एकता प्लस वन आर्ट्स। तो आपका क्या कुछ मॉडल है इसके बारे में बताओगे? सर हमने चंद्रयान का मॉडल बनाया है, जैसे भारत ने इसरो, भारत द्वारा इसरो में, इसरो के द्वारा तीन मिशन बनाए गए थे, जैसे चंद्रयान 1, 2 और 3। जो चंद्रयान 1 और 2 थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए सक्सेसफुल, मतलब कुछ टेक्निकल इशू के कारण या फिर लैंडर को सॉफ्टली लैंड ना कर पाने के कारण। और जो चंद्रयान 3 था हमारा, वो 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे सेफली लैंड कर गया था। तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा था, ये हमारे मतलब ये पहला इंडियन रोवर है जो मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड करा है, इसका नाम प्रज्ञान था। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया जो अभी सक्सेसफुल लैंड हुआ था चंद्रयान 3। कैसे वर्किंग है इनके, वर्किंग ये दिखा रहे किस प्रकार से, देखिए चंद्रयान 1 जैसे हमने देखा कि 2008 में वो फेल हो गया था, 9 महीने बाद ही उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, लेकिन बाद में फिर जब ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो इससे हमें बहुत उम्मीद थी, तो ये सक्सेसफुली लैंड भी हुआ और इसी मौके को और इसी पल को दोबारा से जीने के लिए हमने ये मॉडल तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंडिया ने बहुत अच्छा ये काम करके दिखाया 2023 में ये जब सक्सेसफुल लैंड हुआ था। और एक लड़की है, इनसे और थोड़े से हम जानकारी ले लेंगे। जो चंद्रयान 3 हमने चंद्रयान को चांद पे भेजकर हमने साथ साथ अब सूर्य पे भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं, और जो इसको जो सूर्य पे भेजा गया इसरो के द्वारा भेजा गया और इसको 2 सितंबर 2023 को भेजा गया है। और मेरा नाम मानवी है। मेरा मोनिका। मेरा नाम रितिका है। क्लास आपकी प्लस वन। प्लस वन। तो इन्होंने श्री राम मंदिर के का ऊपर मना रखा है बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छे से दिखाई है कैमरा मैन। अभी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में स्थापित भी की गई थी और इंडिया के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो
आप बताओगे इसके बारे में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये राम मंदिर का है और ये दर्शाता है हमारी सालों से चली आई सभ्यता को, और इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। एक बार हमारे दर्शकों के लिए जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। श्री राम, और कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखिए दर्शकों। तो ये बताइए, आपका जो मॉडल हम देख पा रहे हैं, मिट्टी वगैरह डाल रखी है आपने, और कुछ क्या कुछ ये बना रखे हैं? पीवीसी कार्डबोर्ड से बना रखा है सर। अच्छा, तो और गत्ते का क्या कुछ वर्क है सर? ये मैं स्पार्क है सर, मैं स्पार्क बनाया है सर हमने। इसमें हमने ज्यादातर मैथ की चीजों का यूज किया, जैसे कि ये एडिशन, सबट्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखे हैं हमने इसमें, इंटीजर लिखे हैं और ग्राफ लिखे हैं, और रोमन नंबर के बारे में बताया और एंगल के बारे में बताया सर। जैसे कि ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये जो बोर्ड्स पे हमने लगा के इन ग्राफ को शो किया है, और जैसे डी जो है ये एंगलों की नॉलेज दे रही है, ट्री फैक्टर है, ये फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है, ये रोमन काउंटिंग है, जो ट्री है हमने इसको अच्छा बनाने के लिए इसके ऊपर रोमन काउंटिंग लगाई है, और इसके शीशों बनाया है झूले। छोटे छोटे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कितने का मॉडल है ये, कितने बच्चों का है ये? मेरा अकेले का, देखिए अकेले ने बना रखे। क्या नाम है? दक्ष। ये दिखाइए कैमरामैन। दक्ष, दक्ष कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ में। क्या कुछ है मॉडल आपका? ये वोल्केनो। वोल्केनो, अच्छा। अगर आप इसको वर्क करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, किस प्रकार से होगा? इनो, इनो का यूज करोगे? ये देखिए, बिल्कुल है, इन्होंने इसके अंदर ये डाला है, और अब जाकर कैमरामैन यहाँ पर दिखाइए, बिल्कुल हमारा कैमरा तो जल जाए। ये देखिए बिल्कुल है। तो ये ज्वालामुखी है? असली का तो नहीं है। असली का तो नहीं है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल इन्होंने रियल वाला दिखाया है कि इस प्रकार से होता है। आपके माइंड में कैसा आया कि ये बनाना मुझे? मैंने YouTube पे देखा था, तो मुझे यही अच्छा लगा, तो यही YouTube पर। हाँ। अच्छा, तो टीचर ने नहीं की हेल्प? नहीं, घर मैंने पापा मम्मी की हेल्प ली थी घर पे। अच्छा, अच्छा। कितने बड़का गए हो? चार आना बनाए हो, उतने अंगल अलग ना बना रखा है, यो ही बने हुए सर पे। तो स्कूली स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाम और क्लास? आर्यन, सेवंथ बी क्लास। रोबिन चाल, क्लास सेवंथ। आयुष टूरन, क्लास सेवंथ। क्लास सेवंथ। मॉडल दिखाइए एक बार कैमरा बैन का, फोकस करके। इन्हें सिर्फ पोस्टर पर बना रखा मॉडल, बताइए एक बार क्या कुछ मॉडल आपका? इसमें फॉर्मूले दिखाए गए हैं प्रॉफिट और लॉस के, जैसे कि आपको घुमा के दिखा सकते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला, जैसे SP-EP और कुछ इस तरीके से घूमता है। इसका इसका फॉर्मूला ये हो गया, जैसे और भी घूम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का ये हो गया फॉर्मूला। कैमरा मैन इस साइड दिखा फोकस करके। नेक्स्ट फॉर्मूला एक, हाँ, लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट गुना में 100 का ये हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ, आगे भी है, आप भी बता दे रहे हो साथ साथ। ये डिस्काउंट का हो गया, MRP-CP डिस्काउंट का, MRP-CP। अच्छा, याद है सारे फॉर्मूले, परसेंटेज का बताइए। पी गुना में 100/CP, पी बटे में, पी गुना में 100/CP परसेंट। अच्छा, एसआई का, एसआई का पी गुना में आर गुना में टी बटे में एसआई 100। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, का मॉडल हमने दिखाया है, तो ये एक स्टूडेंट जुड़ चुके। क्या नाम आपका? अंकित। कौन सी क्लास में आप? 8th। 8th क्लास में हो, तो आपका क्या मॉडल है और उसके बारे में बताओगे? एफोरेस्टेशन एंड डीफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वॉज नो ट्रीज कवर प्रीवियसली, इट हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, वेयर एज डीफोरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड यूज, इट हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। अच्छा, नो बताइए आपकी एज कितनी है? 13। इतनी एज में आपको इतनी इंग्लिश कैसे आती है? सर, स्कूल की वजह से, बहुत अच्छा स्कूल है। मतलब देखिए, स्कूल इतना अच्छा कि इतने धड़ा धड़ इंग्लिश बोल रहे हैं, बिल्कुल। तन्नू, क्लास 8 थे। क्या मॉडल आपका? हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, हाँ। क्या होती है? पल्मरी वीन है, लेफ्ट आर्टियम है, राइट आर्टियम है, हिंदी में आलिंद और नील है, वो कहते हैं ना। हाँ, इंग्लिश में पता है। आपको इंग्लिश आती थी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे आपका मॉडल के बारे में बताया है। तो लगातार हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं इनके मॉडल के बारे में, किस प्रकार का मॉडल है, क्या वर्क करता है और क्यों ये लगा रहे हैं। क्या नाम है स्टूडेंट आपका? अमृत। क्लास 8th भी। अंशिका, क्लास 8th। नमन, क्लास 8th। क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं, इनके मॉडल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मॉडल आपका ये? हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का है। अच्छा, सेंटेंस के बारे में। हाँ, सेंटेंस क्या होते हैं?
sentence. The group of words which make complete sense is called sentence. कितने parts के होते हैं? Eight, four. Four parts. Explain. Compound sentence. Compound complex. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो आपने बताया, दो आप बता दीजिए. सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. तो इन चारों के बारे में एक कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में पूछ रहे हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चलो आप बता दीजिए कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या होता है. द सेंटेंस हैविंग अ सेंटेंस हैविंग व्हिच वन इंडिपेंडेंट इन वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन ऑफ द डिपेंडेंट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. एग्जांपल बता सकते हो? एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है आ सीमा मिस्ड हर एग्जाम विल लेट. बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट्स हैं बहुत इंग्लिश में बिल्कुल धड़ाधड़ बोल रहे हैं और इंग्लिश इतनी परफेक्ट है, स्कूल के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और यहाँ पर आज इनका मॉडल देखकर दिल खुश हो गया. बिल्कुल, थैंक यू सभी का. नेक्स्ट अंशी क्लास एट्थ. नैन्सी क्लास एट्थ. मानसी क्लास एट्थ. क्लास एट के स्टूडेंट्स हैं. क्या मॉडल आपका ये? सर जो वाइंड मिल है वो एक मशीन की तरह काम करता है. सर उसे कनेक्टिंग एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. सर इसके चारों तरफ वो ब्लेड्स लगाए जाते हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करते हैं. सर इसका सबसे पहला डिज़ाइन किया था वो किया था 1584 में किया गया था. वो किया गया था डैनियन हॉलीडे ने. वो किस्मत आई यूनाइटेड स्टेट में किया गया था. आप बताइए थोड़ा सा और इससे अलग. द वाइंड मिल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट द वाइंड इनटू, मतलब ये हवा से बिजली बनाता है और इसमें लाइटें भी लगाई गई. करके दिखा सकते हैं किस प्रकार ये वर्क करेगा? ये इस बटन के साथ ये सारी लाइट जलती है. बटन के साथ सारी लाइट जलती हैं, मतलब ये बिजली के साथ ही चलेगा. यस सर. अकेले लड़की ने ये मॉडल बनाया है, किस प्रकार से बेस्ड है, क्या वर्क आता है, क्या नाम है सबसे पहले आपका? जानवी. क्लास एट्थ. एट्थ क्लास. क्या मॉडल आपका ये? ड्रिप इरिगेशन. क्या वर्क आता है? ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज सप्लाई टू द प्लांट्स थ्रू अ पाइप विच मेक वाटर ड्रिप टू द रूट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन. रेट ऑफ वाटर इज वेरी लो एंड विदाउट एनी प्रेशर दैट इज ड्रॉप बाई ड्रॉप. बिल्कुल, आपके माइंड में कैसे आया ये मॉडल? ये फ़ोन में देखा था. फ्रेंड्स नाम और क्लास? सर मेरा नाम किंजल है और एट क्लास हूँ. किंजल क्या कुछ है ये? सर ये सोलर सिस्टम है और जो ये सन है इसके चारों ओर ये राउंड करते हैं प्लैनेट्स. सो इसी को यस सर. सो इसी पैथ को हम ऑर्बिट कहते हैं और जो ये जिस शेप में ये अराउंड करते हैं उन्हें हम इलेप्टिकल पैथ कहते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. देखिए इन्होंने सन के राउंड्स जितने ग्रह हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से मॉडल बना रखा है इस बेस पर और ज़रूर आपको सीख लेनी चाहिए इस प्रकार के मॉडल से. और क्लास पूछेंगे. माई नेम इज़ कशिश, आई एम इन एट क्लास. माई नेम इज़ अंकिता, आई रीड इन एट क्लास. अंकिता. माई नेम इज़ रेशू, आई रीडिंग इन एट क्लास. क्या नाम बताया आपने? रेशू. रेशू ये बिल्कुल अलग ही नाम है, पहली बार सुना है. माई नेम इज़ स्वीना, आई रीडिंग एट्थ क्लास. एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं और हम देख पा रहे हैं मैथ से रिलेटेड लग रहे शायद. क्या कुछ मॉडल है ये? 2D 3D शेप्स. 2D 3D शेप्स आप एक्सप्लेन करेंगे? 2D एंड 3D शेप्स आर शेप्स इन मैथ्स. सो 2D शेप्स आर शेप्स विच हैव 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ एंड 3D शेप्स आर द शेप्स विच हैव 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. क्यूब का फार्मूला बताओ. क्या सर? क्यूब का फॉर्मूला 6a² टोटल सरफेस एरिया. मैथ्स किसका तेज है सबसे ज़्यादा? सभी का ठीक है. अच्छा ठीक है. सर नाम श्रुति और 8B क्लास. श्रुति. अश्विंदर एंड 8th क्लास. नाम अश्विंदर. अच्छा तो आपका क्या मॉडल है? सर पर्यावरण प्रदूषण और उपसर्ग. अच्छा बता सकते हो इसके बारे में एक्सप्लेन करके? सर पर्यावरण प्रदूषण में हमने पोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, धारा प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण कैसे होता है. बिल्कुल है, इन्होंने मॉडल के द्वारा बताया. नेम पायल क्लास एट्थ. नेम दीक्षा क्लास एट्थ. क्या नाम है? दीक्षा. दीक्षा और पायल इनका मॉडल है. क्या कुछ मॉडल है पूछेंगे सबसे पहले आप बताइए. सर ये है कैंडी वैंडी मशीन.
और ये है रोड सेफ्टी। हाँ जी, कैसे याद आई इस प्रकार मॉडल बनाए? सर बस मोबाइल पे आइडियाज। अच्छा, खुद से आया है या टीचर ने गाइड किया था? नहीं सर, खुद से ही। खुद से आया, बहुत अच्छा मॉडल है, रिकमेंड में बताइयो, मुझे तो सबसे बेस्ट ही लग रहा है, बाकी देखते हैं। प्रियांशी, क्लास 7th। सोनाक्षी, क्लास 7th। क्लास 7th के स्टूडेंट्स है, आपका मॉडल के बारे में बताइए, कैमरा मैंने इस साइड फोकस करके, और ये बताएंगे मॉडल। वाटर एंड एयर पोल्यूशन। गुड आफ्टरनून, क्या नाम आपका? सर कुशल, क्लास 7th। 7th क्लास से हो। अच्छा, क्या मॉडल आपका? सर कैंडी डिस्पेंसर। अच्छा, यही है? यस सर। कैसे वर्क करता है ये? सर आप भी साथ में इसके? यस सर। क्या नाम आपका? खुशी, क्लास 7th। क्लास सर, बताइयो कैसे वर्क? व्हेन यू विल प्रेस दिस बटन देन यू विल गेट अ कैंडी। लाइक सर हमने जैसे इसको प्रेस किया तो ये टॉफी बाहर आ गई। अच्छा। अन्नू, क्लास 7th। अन्नू, क्लास 7th। अनुष्का, क्लास 7th। क्या मॉडल आपका ये? प्रेपोजिशन।